अब हम बोरॉन परिवार के कुछ मुख्य मुख्य गुणों के बारे में जानेंगे। इसका जो घनत्व है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये घनत्व का मान बढ़ता जाता है। आप देखिए यहाँ पर बोरॉन के लिए 2.35 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के रूप में लिया जा रहा है घनत्व। एल्यूमिनियम के लिए 2.70, गैलियम 5.90, इंडियम 7.31, थैलियम 11.85। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये मान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस परिवार का गलनांक एवं क्वथनांक, तो प्रायः देखा जाता है किसी भी पदार्थ का जो गलनांक होता है उसमें उपस्थित जो कण हैं उसके पैकिंग पर निर्भर करता है, उसकी जालक ऊर्जा पर निर्भर करता है, जबकि क्वथनांक जो है वो उसके अंतर आणविक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो बोरॉन जो है वो एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाता है, इसे हम आइकोसाहेड्रॉन संरचना के नाम से भी जानते हैं। तो बोरॉन बहुत ही छोटा एक तत्व है और इसमें देखा गया है कि जो 12 बोरॉन के परमाणु होते हैं वह आपस में मिलकर के एक गुच्छा जैसा बना लेते हैं और प्रत्येक गुच्छे के अंदर जो ज्यामिति विन्यास होती है वो आइकोसाहेड्रॉन के रूप में जानी जाती है। इसमें 12 किनारे होते हैं और 20 फलक होते हैं। इसमें आप देखिए जो 6 बोरॉन के परमाणु हैं वो बाहर की तरफ और 6 बोरॉन के परमाणु अंदर की तरफ, तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक बाहर और एक अंदर दिखाई देता है और ये आपस में गुच्छे के रूप में आइकोसाहेड्रॉन लाइक संरचना बनाते हैं। तो जब हम इसके गलनांक को देखते हैं तो चूँकि बोरॉन जो है वो बहुत अधिक जटिल संरचना लिए हुए होती है तो बोरॉन के लिए गलनांक उच्च होता है और यही इसे भिन्न बनाता है बाकी सभी तत्वों से, क्योंकि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और नेटवर्क संरचना लिए हुए होते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक के मान में देखा जाए तो प्रारंभ में कमी होती है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि इंडियम से थैलियम तक ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये अनियमित रूप से परिवर्तन होता है, तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पर आप देखिए कि गलनांक का मान बोरॉन के लिए 2453 केल्विन, एल्युमिनियम के लिए 933 केल्विन, गैलियम 303 केल्विन, इंडियम 430 और थैलियम 576। तो यह इंडियम और थैलियम में हम देख रहे हैं कि थैलियम के लिए ये वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। तो यहाँ थैलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो F में प्रवेश करने लगते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसलिए इसके गलनांक के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गैलियम होता है वह गैलियम बहुत अधिक टेम्परेचर तक ये ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। सभी यहाँ पर ठोस अवस्था में हैं, लेकिन गैलियम गर्मी के दिनों में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ आप देखिए कि गैलियम से बने हुए एक चम्मच को जब इस गर्म पानी में डाला गया तो प्रारंभ में जब इसे डालते हैं तब तो ये चम्मच अच्छा है और जैसे ही इसे गर्म पानी में डाला जाता है तो इसमें से बूंद गिरने लगती है, अर्थात ये गलने लगता है। तो चूँकि गर्म पानी में ये गैलियम से बना हुआ चम्मच बूंद बूंद के रूप में गिरने लगा तो इसका गलनांक बिंदु बहुत ही कम होता है और यह अधिक टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वथनांक, इस परिवार का जो क्वथनांक है ये भी ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है और इसमें एक नियमित परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे इसका जो क्वथनांक है बोरॉन के लिए 3923 केल्विन, एल्यूमिनियम 2740 केल्विन, गैलियम 2676 केल्विन, इंडियम 2353 केल्विन, थैलियम 1730 केल्विन। तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम से ये कम होता जा रहा है क्योंकि आकार में वृद्धि हो रही है, तो अंतर आणविक जो आकर्षण बल का मान है वो कम होता जाएगा, इनके बीच के बंध जो है वो दुर्बल होते जाएंगे, इसलिए इसका क्वथनांक का मान कम होता जाएगा। अब हम परमाणु त्रिज्या के बारे में जानेंगे बोरॉन परिवार के लिए। तो बोरॉन परिवार की जो परमाणु त्रिज्या होती है, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है।
जैसा कि हम आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह के बारे में समझते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे कोशों की संख्या में वृद्धि होती है नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई देता है बाकी सभी समूहों की तुलना में। वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक आते हैं तो बीच में यहाँ पर 10 तत्व होते हैं जो कि 3D सीरीज़ के हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 3D सीरीज़ में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरने लगते हैं, तो अब जब इस परिवार में हम एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गैलियम में डी में भरने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डी में भरता है तो डी में भरने पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है डी ऑर्बिटल का वो थोड़ा सा दुर्बल होता है एस और पी की तुलना में। तो जब इलेक्ट्रॉन अचानक से डी उपकोश में प्रवेश करने लगते हैं तो डी उपकोश का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस और पी की तुलना में दुर्बल होता है। नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो यहाँ पर दुर्बल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ स्क्रीन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं डी ऑर्बिटल। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच के आकर्षण बल में वृद्धि के कारण हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते आते परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है, जबकि हमने बाकी समूहों में देखा कि परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ जब हम परमाणु त्रिज्या देखते हैं तो बोरॉन के लिए 85, एल्यूमिनियम के लिए 143, गैलियम 135, इंडियम 167, थैलियम 170। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम से जब गैलियम में आते हैं तो 143 से 135 हो गया, तो अचानक से यहाँ कमी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर रहा है, इस वजह से यहाँ पर गैलियम में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो कम हो गई। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है। ऐसा ही एक डिफरेंस हम यहाँ भी देखते हैं इंडियम से थैलियम के बीच। तो इंडियम से थैलियम के बीच भी जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो 167 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 167 से अधिक तो है, 170 है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि कोशों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है लेकिन परमाणु त्रिज्या के मान में बहुत अधिक वृद्धि दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोश में भरने लगते हैं जैसे ही हम इंडियम से थैलियम की ओर जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन F उपकोश में प्रवेश करने लगते हैं तो F उपकोश का भी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है, इस वजह से यहाँ जो परमाणु त्रिज्या के मान में कम अंतर हमें इंडियम और थैलियम के बीच में दिखाई देता है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल है वहाँ पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में या एफ उपकोश में प्रवेश करने लगते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के पुअर होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। और यहाँ जो डिफरेंस है, चाहे हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो वहाँ भी इस परमाणु त्रिज्या का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ अनियमित रूप से हम परिवर्तन देखते हैं इस परिवार में। तो अब हम इसके आयनिक त्रिज्या के बारे में जानेंगे। तो आयनिक त्रिज्या का जो मान है वो भी हम पिकोमीटर के रूप में ही ले रहे हैं। तो बोरॉन 27, एल्यूमिनियम 53.7, गैलियम 62, इंडियम 80, थैलियम 88.5। तो यहाँ पर भी आप देखिए एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। परमाणु त्रिज्या में जैसे कमी आ रही थी तो आयनिक त्रिज्या में कमी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर भी दिखाई नहीं दे रहा है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच। उसी तरह से इंडियम और थैलियम की आयनिक त्रिज्या में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी डी और एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के कारण होता है। अब हम इस परिवार के आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा के बारे में जानेंगे। इस परिवार का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 और NP1 है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोश से निकलता है तो पहले इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वह NS में से निकालना है। तो NS नाभिक के बहुत
करीब होता है तो नाभिक और NS के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल होता है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा। जब यहाँ बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन का आकार बहुत छोटा होता है और बोरॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जब यह बोरॉन 3+ बनाने की कोशिश करता है तो उस समय इसकी तीनों जो आयनन ऊर्जा का योग है वो बहुत अधिक होता है, जो इसे B3+ में परिवर्तित होने से रोकता है। तो बोरॉन में आयनन ऊर्जा के मान में बहुत अधिक वृद्धि दिखाई देती है और पहले इलेक्ट्रॉन का निकालना यहाँ आसान है क्योंकि बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है वो NS में प्रेजेंट होते हैं, तो NS से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो इस तरह से इसमें आयनन एंथैल्पी का मान इस परिवार का बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ भी हम आयनन एंथैल्पी के मान में थोड़ी सी अनियमितता देखते हैं। इसका कारण परमाणु त्रिज्या ही होती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या में हमने देखा अनियमित रूप से परिवर्तन होता है। तो यहाँ भी बोरॉन की आयनन ऊर्जा का मान तो उच्च होगा क्योंकि उसका आकार छोटा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम तक जब आते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम तक चूँकि परमाणु त्रिज्या में थोड़ी कमी आई तो आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। इसी तरह से जब हम इंडियम से थैलियम तक आते हैं तो इंडियम से थैलियम तक आते समय भी हमने देखा कि परमाणु त्रिज्या के मान में इस तरह से ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी आयनन ऊर्जा के मान में अनियमित रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब आप इन मानों को देखेंगे तो इस अनियमितता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आयनन ऊर्जा की वैल्यू बोरॉन के लिए 801 किलो जूल प्रति मोल, तो यहाँ आयनन ऊर्जा का मान हम किलो जूल प्रति मोल में ले रहे हैं। एल्यूमिनियम 577, गैलियम 579, इंडियम 558 और थैलियम के लिए 589 किलो जूल प्रति मोल है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जब बोरॉन को हम देखते हैं तो बोरॉन की आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है। एक तो बोरॉन का आकार बहुत छोटा होता है, दूसरा हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम, तो यहाँ एल्यूमिनियम के लिए आयनन ऊर्जा के मान में कमी आई। तो ये तो सही है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है और आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है। तो चूँकि बोरॉन से एल्यूमिनियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो अधिक है तो इसलिए आयनन ऊर्जा के मान में कमी, बहुत अधिक कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, बल्कि गैलियम का परमाणु त्रिज्या जो है वो कम होता है। तो यहाँ देखिए आयनन ऊर्जा का मान भी यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, 577 से 579, तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ दिखाई नहीं देता है क्योंकि गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है तो नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का आकर्षण बल अधिक है। तो जब नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का आकर्षण बल अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देती है। ऐसा ही हम इंडियम और थैलियम में भी देखते हैं, यहाँ भी अनियमित रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडियम से थैलियम तक आते आते जो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि है वो काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है, 558 से 589। तो यहाँ भी थैलियम में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करने लगता है जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का आकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि F उपकोष अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। तो नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा। तो जब हम इंडियम से थैलियम तक आते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में यहाँ पर वृद्धि दिखाई देती है। यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा में अनियमित रूप से हमने परिवर्तन देखा कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं और इंडियम से थैलियम तक आते हैं, इस तरह के परिवर्तन वाले जो प्रश्न हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम आयनन ऊर्जा और परमाणु त्रिज्या को कंपेयर करेंगे इस बोरॉन परिवार के लिए, अब हम इसके विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानेंगे। तो वर्ग में जैसा कि हमने देखा कि ऊपर से नीचे आने पर यदि परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है। चूँकि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के मान में बहुत अधिक वृद्धि या बहुत ज़्यादा डिफरेंस
तत्वों के मध्य में दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ जो ऋण विद्युता का मान है वह भी थोड़ा अनियमित हमें दिखाई देता है नॉर्मल जो ट्रेंड है उसकी तुलना में। बोरॉन के लिए ऋण विद्युता का मान 2, एल्यूमिनियम 1.5, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7, थैलियम 1.8। तो यहाँ पर आप देखिए बोरॉन से एल्यूमिनियम तक आते हैं तो ऋण विद्युता के मान में कमी आई, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम में जो परमाणु त्रिज्या का मान है उसमें काफ़ी अंतर होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम गैलियम से थैलियम तक आते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऋण विद्युता के मान में वृद्धि होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परमाणु त्रिज्या के मान में कहीं कहीं कमी दिखाई देती है, तो इस वजह से नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, तो इसलिए ऋण विद्युता के मान में इस तरह से अनियमित परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो जो बोरॉन है इस परिवार का, चूँकि वह अपने परिवार का बहुत स्पेशल एक मेंबर होता है, तो इसके लिए ऋण विद्युता का मान सबसे अधिक है और आकार के कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है। अगला गुण है विद्युत धनात्मकता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो उसमें जितनी अधिक प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग देने की उसमें विद्युत धनी गुण उतना अधिक होता है। लेकिन यदि किसी परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा तो आकर्षण बल नाभिक का अधिक होगा बाह्यतम कोश के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना यहाँ पर कठिन होता है या यहाँ विद्युत धनी गुण दर्शाने की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। तो जब हम आवर्त सारणी में वर्ग 2 से वर्ग 13 तक पहुँचते हैं तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या के मान में कमी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोश में भरते जाते हैं, कोशों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो वर्ग 2 से वर्ग 13 की कम पाई जाती है। तो विद्युत धनात्मकता में भी हम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो कमी होगी, तो यदि वर्ग 2 और वर्ग 13 की तुलना करें तो वर्ग 2 की तुलना में वर्ग 13 कम विद्युत धनी होते हैं। लेकिन जब हम इस परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं अर्थात बोरॉन से जब हम थैलियम तक आते हैं तो धात्विक गुण के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम से थैलियम तक ये जो गुण है वो थोड़ा घटता जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में अनियमित रूप से परिवर्तन देखते हैं। और जो मानक अपचयन विभव का मान होता है वो भी जितना अधिक होगा किसी भी तत्व के लिए उसकी धात प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और धन विद्युतीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। तो जिस भी तत्व के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है उसकी जो धात्विक प्रवृत्ति है वह उसको प्रभावित करती है वो भी उतनी ज़्यादा होगी और धन विद्युतीय गुण भी उसका उतना ही ज़्यादा होता है। अगला हम इस परिवार के रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में जानेंगे। इस परिवार में बोरॉन एल्यूमिनियम की जब हम तुलना करते हैं तो प्रायः सभी में सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति तो होती है, और बोरॉन की खासियत यह है कि बोरॉन के जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजक प्रवृत्ति के ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरॉन जब 3+ आयन बनाता है तो उसकी जो पहली 3 आयनन ऊर्जा होती है उन सबका यदि योग देखते हैं तो वो बहुत अधिक होता है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से ये जो ऊर्जा का योग है हमने देखा आयनन ऊर्जा का योग तीनों के लिए तीनों प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो इनका मान इतना ज़्यादा होता है कि B3+ आयन बनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बोरॉन का आकार छोटा होता है, साथ ही जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा का योग है वो इतना ज़्यादा हो जाता है बोरॉन को 3+ आयन तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए इसमें सहसंयोजक प्रवृत्ति वाले यौगिक बनाने की ही क्षमता ज़्यादा दिखाई देती है। एल्यूमिनियम जब AlCl3 को जल में घोला जाता है तो एल्यूमिनियम 3+ आयन बनता है, तो यहाँ पर ये जल योजित होकर जब ये एल्यूमिनियम 3+ जल योजित होते हैं तो एक संकुल बनाते हैं AlH2O होल 6 3+, तो इस तरह से संकुल यौगिक यहाँ बनता है।
तो जब इसमें जल के अणु जुड़ते हैं तो जल के अणु के जुड़ने से जो जल योजन ऊर्जा का मान होता है वह इसके तीनों आयनन ऊर्जा के मान के योग को बैलेंस करता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम 3+ आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और बोरॉन जो है वो 3+ आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसमें जो तीनों आयनन ऊर्जाओं का योग है वो बहुत अधिक होता है। एल्यूमिनियम के जो आयन्स होते हैं जब वो जल में जलयोजित होते हैं तो जलयोजन ऊर्जा के मान के द्वारा उसकी जो आयनन ऊर्जा का मान है वो संतुलित हो जाता है, तो इस वजह से वो आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और बोरॉन के जो यौगिक हैं वो प्रायः सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डी में या एफ में भरने लगते हैं, तो यहाँ पर जो त्रिज्या के मान में परिवर्तन है या आयनन ऊर्जा के मान में परिवर्तन है वह इतना रेगुलर नहीं होता है, अनियमित रूप से परिवर्तन हम देखते हैं। तो इस तरह से नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। तो यह सहसंयोजक प्रवृत्ति बनाने की जो प्रवृत्ति है इस परिवार के विभिन्न तत्वों की वो अधिक पाई जाती है। जब हम बोरॉन और एल्युमिनियम के जो सहसंयोजी यौगिक है, जैसे अगर हम BF3 या AlF3 की बात करते हैं, तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में जब एल्युमिनियम BF3 के बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका अष्टक अपूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह से AlCl3 या AlF3 में भी इसी प्रकार से लुईस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा करते हैं। बोरॉन एवं एल्युमिनियम की जो अलग अलग प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आयनन ऊर्जा का योग है उसकी चर्चा हम करेंगे कि बोरॉन के लिए जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो 801 किलो जूल प्रति मोल, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान 2427 किलो जूल प्रति मोल और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान 3659 किलो जूल प्रति मोल है। वहीं दूसरी ओर एल्युमिनियम के लिए ये वैल्यू थोड़ी कम है, तो एल्युमिनियम के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 577, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान 1816 और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान 2744। तो जब हम इनके योग को देखते हैं तो बोरॉन के तीनों आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और एल्युमिनियम के तीनों आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन की तुलना में कम होता है। तो इसी वजह से एल्युमिनियम जब 3+ आयन बनाते हैं वो आसानी से बना सकते हैं, बोरॉन आसानी से 3+ आयन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके प्रथम तीनों आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च पाया जाता है। इस परिवार का एक बहुत मुख्य गुण है अक्रिय युग्म प्रभाव। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो भारी सदस्य होते हैं उसमें जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा स्थायी हो जाती है, क्योंकि इस परिवार का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा NS2NP1 है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, तो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता है लेकिन NS में से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते हैं। ऐसा प्रायः भारी सदस्यों के लिए होता है। यहाँ पर ऐसे सदस्य जिनके NS के जस्ट पहले वाले कोश में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें जो NS का 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी उस तत्व के लिए NS के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ NS इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भारी सदस्य हैं वो यहाँ पर 4s भी हो सकता है, 5s, 6s कुछ भी हो सकता है, इसलिए NS करके बात कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अक्रिय जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो NP में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है लेकिन NS के 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते हैं। तो इसी अक्रिय जोड़े की वजह से यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पी ब्लॉक सदस्यों में हमने देखा है कि जो भारी सदस्य होते हैं उसमें बाह्यतम कोश में उपस्थित जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अक्रिय जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इस वजह से नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, इसी वजह से NS के 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो केवल
एनपी में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। तो जब हम थैलियम के क्लोराइड की बात करते हैं, TlCl और TlCl3, तो ज़्यादा स्थायित्व देखने को मिलती है, TlCl3 की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि TlCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि TlCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब बनेगा? जब P में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और S में से भी दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल P में से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण बनता है। तो इसलिए TlCl3 यौगिक प्रकृति में ज़्यादा स्थायी रूप से दिखाई देते हैं TlCl3 की तुलना में। जब हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करते हैं, तो इसके जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है वो सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होंगे वो सहसंयोजी प्रवृत्ति के होंगे, जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होंगे वो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं।